अगर आप एक अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं विभिन्न वुड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन्स को चलाना, जो लॉग से बाग, नॉट्स और गंध को हटाते हैं, लॉग्स या सॉमल वेस्ट को वुड चिप्स या फ्लेक्स में बदलते हैं, लंबर को स्टैक और बैन करते हैं, वुड चिप्स को स्क्रीन करते हैं और वेफर बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड्स, हार्ड बोर्ड्स और इंसुलेशन बोर्ड्स बनाते हैं, कन्वेयर्स, लेथ्स, सैंडिंग मशीन्स और अन्य इक्विपमेंट चलाते हैं, जो लॉग्स और लॉग सेक्शन से वनीर को छीलते हैं और वनीर शीट्स को चिपकाने, दबाने, काटने और घिसने का काम करते हैं, किल्न्स, टैंक्स और अन्य इक्विपमेंट चलाते हैं, जो लंबर और अन्य वुड प्रोडक्ट्स को सूखा और केमिकली ट्रीट करते हैं और वुड प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स के साथ भरते हैं। वे इक्विपमेंट, पैनल इंडिकेटर्स, वीडियो मॉनिटर्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि खराबी का पता लगा सकें और सुनिश्चित कर सकें कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस के अनुसार चल रही है। वे प्लाईवुड पैनल्स को असेंबल करते हैं और प्लाईवुड और वनीर को मैकेनिकली या मैन्युअली रिपेयर करते हैं। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन्स को शुरू, बंद, सेटअप, एडजस्ट करते हैं और जरूरत के अनुसार उनके मेंटेनेंस में मदद करते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को पूरा करना और बनाए रखना भी उनके काम में शामिल है। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स की प्रोफाइल के लिए आमतौर पर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई आवश्यक होती है। इसके अलावा आपको कुछ महीनों की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। लंबर किल्न ऑपरेटर्स, पार्टिकल बोर्ड ऑपरेटर्स और वेफर बोर्ड ऑपरेटर्स के लिए कॉलेज या कंपनी कोर्सेज का कुछ कॉम्बिनेशन और एक साल तक की ऑन जॉब ट्रेनिंग आवश्यक हो सकती है। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल पर 57 जॉब ओपनिंग्स के साथ क्वेबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि ओंटेरियो सिर्फ 21 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें।
अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। जॉब बैंक GCCA के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स हर घंटे औसतन 20 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 31 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 15 कैनेडियन डॉलर्स है। अदर वुड प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल के लिए ब्रिटिश कोलंबिया सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि न्यू ब्रंसविक सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। Facebook और Instagram पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।